अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आ रहा हूं और मैं आपको दिखाऊंगा इस्तांबुल के एक नहीं दो नहीं तीन डिस्ट्रिक्ट्स एक साथ। और ये तीन डिस्ट्रिक्ट जो है ना, एक तो बहुत बड़े हैं साइज़ के हिसाब से, लेकिन ये कि आबादी इसकी बहुत कम है। और आप समझो कि इस्तांबुल में आपको हम गाँव दिखाएँगे। तो मेरे साथ किरामत भाई हैं जिनको आप जानते हैं और हमारे साथ इस्तांबुल में ये घूमते रहते हैं। अभी इस इलाके की ख़ास बात ये है, जो अभी इस टाइम हम लोग हैं, ये बयुकचिक मजे डिस्ट्रिक्ट है इस्तांबुल का। साइज़ में बहुत बड़ा है ये, लेकिन आबादी इसकी सिर्फ 2.5 लाख है, ठीक है। इसकी ख़ास बात ये है कि इसमें खाली एरियाज़ जो है ना, मतलब आप समझो कि विलाज वगैरह हो गए, खेत वगैरह हो गए, बाग वगैरह, इस तरह की जगह बहुत ज़्यादा है। इस टाइम जो बैकग्राउंड में आपको ये दिखा देंगे, साबिर भाई कैमरामैन बने हुए इस टाइम, ये देखिए एक बहुत ज़बरदस्त पुल बना हुआ है। और ये पुल एक्चुअली एक डैम है, वहाँ ज़रा दिखाई, वो सामने आप देखें ना, वहाँ पे एक डैम बना हुआ है, ठीक है, उसकी गेट वगैरह नज़र आ रहे हैं। और वो जो डैम है वहाँ से पानी रिलीज़ किया जाता है, तो ये एक लेक बन गया है यहाँ पे। और लेक के ऊपर ये इस तरह आप अगर देखें तो एक बहुत ही खूबसूरत ब्रिज बना हुआ है। और बहुत अच्छा यहाँ पर इन्वायरमेंट है, माहौल है, मज़ा आ रहा है यहाँ पर। वेदर बहुत अच्छा है, हवा बहुत क्लियर है और यहाँ पे लोग आए हुए, इतवार का दिन है, हालांकि लॉकडाउन है, लेकिन लोग आए हुए घूमने के लिए, हम देख रहे हैं अभी। तो बयुकचिक मजे की ख़ास बात यह है डिस्ट्रिक्ट की कि इसको समंदर भी लगता है। बहुत खूबसूरत इसका समंदर है मारमारा, ये इस तरफ अगर आप देखें तो वहाँ पे आपको समंदर नज़र आएगा, ठीक है। और समंदर के अलावा जो है, ये समंदर के साथ साथ किश्तियाँ वगैरह हैं, उसके अलावा ये लेक है। पेरिस में बहुत सारे इलाके खाली हैं, क्योंकि हमारा जो बेलक दुजू है, सेंट वगैरह है, वहाँ पर बिल्डिंगें बहुत ज़्यादा है, रश बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये इलाका खामोश है। और सबसे ख़ास बात यह है कि सिर्फ 5 मिनट दूर है अभी किरामत भाई, हम लोग 5 मिनट में यहाँ पे पहुँचे हैं। हमें तो बहुत हैरत सरप्राइज हुई है। आपको कैसे लगी ये जगह? बहुत अच्छी लगी। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ मैंने देखा ये बहुत बड़ी बिल्डिंग बहुत कम है, सारे वेलेज वगैरह लोगों ने बनाए ऑलमोस्ट, यानी बिल्डिंग तो हमें यहाँ पे करीब करीब में नज़र नहीं आ रही। जो पीछे हमें बिल्डिंग नज़र आ रही है वो बेलक दुजू की है। ये सारे आप देख ले तो पूरा, और फैमिलीज जो है यहाँ पे आई हुई। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, वीडियो तो हम यहाँ बयुकचिक मजे से स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे साथ साबिर भाई भी है। और अब हम आगे जाएंगे, आपको दो और यहाँ पे ज़िले हैं इस्तांबुल के आखिरी वाले यूरोपियन साइड पे, जिसमें से एक है सेलूरी और एक है चतालजा। तो ये दो सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट है इस्तांबुल के, यानी कि आप समझो कि 1100 किलोमीटर जो है इसका साइज़ है चतालजा का, वो आपको दिखाएंगे। वहाँ पर जंगल है, गाँव है और एक अलग ही लाइफ है। तो आइए हमारे साथ वहाँ चलते हैं। अच्छा व्यूअर्स, इस टाइम हम चतालजा पहुंच चुके हैं तकरीबन 15-20 मिनट के बाद, और ये इस्तांबुल का आखिरी डिस्ट्रिक्ट है। ये बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है आबादी के लिहाज से, आबादी बहुत कम है इसकी, लेकिन लैंड वाइज जो है ना, ये सबसे बड़ा जो है ज़िला है इस्तांबुल के अंदर यूरोपियन साइड पर। और इसके बाद दूसरा सूबा शुरू हो जाता है। तो इसका ये मेन बाज़ार है। अभी हम एक गाँव की तरफ भी जाएँगे, आपने रास्ते में देखा कितना खाली जगह यहाँ बहुत है, लेकिन ये छोटा सा इसका बाज़ार है। और आज लॉकडाउन है, इस वजह से ज़्यादा दुकानें बंद है, लेकिन कुछ ना कुछ फिर भी ओपन है। तो हमारे साथ साबिर भाई भी है। साबिर भाई, ये कैसे लगा, डिफरेंट एक्सपीरियंस जरा आपको? बहुत ज़बरदस्त है, पर यहाँ पे क्राउड नहीं है, रश नहीं है, तो बहुत अच्छी पीसफुल जगह है। पर यहाँ पे हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, पर वो नहीं है कि आप दूर है यहाँ पे, वो फैसिलिटीज नहीं मिलेगी। रश इसलिए कम है क्योंकि लॉकडाउन है ना, इतवार का दिन है। तो ये आप देख सकते हैं, छोटा सा शहर है, बड़ा खूबसूरत है। हर ज़िले का एक मरकज़ होता है इस्तांबुल में, और ये चतालजा का मरकज़ है। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा बाज़ार आपको दिखाते हैं, और उसके बाद हम चलेंगे किसी गांव की तरफ, क्योंकि ये जो ज़िला है ये 1100 किलोमीटर इसका रकबा है, और बाज़ार के अलावा इसमें गाँव भी काफ़ी सारे हैं और खाली ज़मीन बहुत है। जी क्या है? चाय बार चाहिए
अच्छा, तो ये बकलावे की दुकान है सुशेत्रावाला का ना? अच्छा व्यूअर्स, ये चतालजा के अंदर देख सकते हैं, ये खाली जगह है बिल्कुल, और यहाँ पे ये जंगल टाइप एरिया भी है, यहाँ पे दरख्त वगैरह है, बिल्कुल ख़ामोशी है। अभी जो चतालजा का सिटी था, नाम तो मैं भूल गया इसका, बंदे ने मुझे बताया है उसका नाम लेकिन मैं भूल गया हूँ। उसके साथ ही ना ये थोड़ा सा गाड़ी में हम लोग आए हैं, देखना पड़ेगा ऐसे ना कुत्ता मुत्ता ना आ जाए, क्योंकि यहाँ कुत्ते बहुत होते हैं ना तुर्की में। तो लिटरली यू नो आउट ऑफ नो वेयर, ये देखिए आप, पिकनिक के लिए अच्छा स्पॉट है ये, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लोगों ने बारबेक्यू वगैरह किया है, ड्रिंक व्रिंक की बोतलें पड़ी हुई है। तो विंटर के मौसम में ये ग्रीनरी नहीं है, मतलब ये ट्रीज ग्रीन नहीं है, ये आप देख सकते हैं जी, आग जली हुई है और ये बोतल पड़ी हुई है। तो बिल्कुल खामोशी है, दूर दूर एक रोड है, वहाँ से आवाज़ आ रही है। और ये टोटल इस्तांबुल का जो बेलकदुज़ू का एरिया है, वहाँ से 25-30 मिनट हम लोग आए हैं ना, तो चतालजा सिटी भी आया है, बोयुकचक में जे भी आया है पहले, फिर उसके बाद चतालजा आया है, और फिर ये खाली इलाके आ गए हैं, यहाँ पे गांव भी है। अच्छा व्यूवर्स, ये अभी हम लोग चतालजा में गांव में आए हैं, विलेज है यहाँ पे, एक चाचा है, ये देखें इनका घर है छोटा सा, और ये यहाँ पे और भी छोटे छोटे घर हैं। तो ये चाचा के साथ अभी आपको दिखाता हूँ कि इनके पास ये मुर्गियाँ वगैरह है और कुत्ते हैं, मुर्गियाँ हैं और दूसरे मतलब जो बकरी वगैरह है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। ये देखिए खेत वगैरह है ये सारे, ये गांव का तुर्की का, हालांकि इसमें ये गाड़ी भी है। और ये देखिए ये चाचा है, मरहबा इंग्लिश योक तुर्के बिराज 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 कुनशमक बिराज लाहौर कराची बैन कराची इस्लामाबाद İslamabad maşallah. Tekstil falan export. Neyle uğraşıyorsunuz? Gezmeye mi geldiniz? Turist olarak mı? Bahut hi acche log hai, ye dekhiye ye yahan pe ye khet hai inki, abhi to sardi hai to pata nahi kya jo hai na ye log bana rahe hain, aur matlab abhi sardi hai, fasal ka pata nahi chal raha ki is khet mein kya fasal hogi, pata nahi gandam hoga, dusra jo hai corn wagaira hoga। लेकिन अभी ये देखिए चाचा के पास जो है ना बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये बहुत सारी मुर्गियां हैं, और शीप्स यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, बकरी भी थी अभी गायब हो गई है। और ये देखिए चाचा का ये जो है ना खेत है, ये फार्म है, तो बिल्कुल गांव वाला माहौल है, दूर दूर घर है बड़े ज़बरदस्त। ये देखिए वो बिल्ली भी है, और ये बागीचे वगैरह हैं, ये देखिए बिल्ली को देखे, म्याओ म्याओ म्याओ। तो व्यूअर्स, हम लोग चतालजा वगैरह से वापस आ गए हैं बेलकदुज़ू के अंदर, और यहाँ से हम लोग गए थे, 2-3 घंटे हमें हो गए हैं ऑलरेडी। तो बोयुकचक मजे और चतालजा मैंने आपको दिखाया है कुछ हिस्से उसके, मेरा इरादा था कि एक और यहाँ पे ज़िला है समंदर के साथ, उसका नाम है सिलरी, वो भी दिखाना था, लेकिन थोड़ा सा शाम हो गई तो हम लोग वापस आ गए। तो काफ़ी मज़ा आया, और ये अलग जगह देख के इस्तांबुल के अंदर एक नया खुशगवार एक्सपीरियंस रहा गांव वगैरह को देखने के बाद। एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली है वो ये कि हमने वो विलेज के अंदर जो बंदा था उससे पूछा कि आपके घर का किराया किराए का है, उन्होंने कहा हाँ किराए का है, तो हमने पूछा कितने का किराया है, ये इसका किराया कितना है, तो उन्होंने कहा कि इसका 800 रुपये किराया है। तो काफ़ी बड़ा घर था, यानी जैसे बेंगलुरु नहीं होता उस तरह का ग्राउंड के ऊपर, और ये मेरे लिए एक अच्छी खबर थी।
कि 800 में इतना बड़ा घर जो है यहाँ पे गांव में किराए पे मिलता है। उतना घर अगर हम यहाँ पे बेलकदुजू वगैरह में लेंगे ना तो 4000 रुपये में पड़ता है, यानी 4000 लीरा में, और वहाँ पे 800 रुपये जो है वो तकरीबन पाकिस्तानी 16000 रुपये बनते हैं। 800 से 1000 के दरमियान वहाँ पे अच्छे घर मिल जाते हैं, चतालजा की ये जो गांव वगैरह है या सिटी के जो आसपास के घर है तो काफ़ी जो है कम रेट पे है। आल्दो की ये स्टिल जो है इस्तांबुल का ज़िला है, सबसे बड़ा ज़िला है चतालजा, और इस्तांबुल के अंदर ही आता है इस्तांबुल जो प्रोविंस है। तो दैट्स इट गाइस, शाम का टाइम हो गया है और साबिर भाई मेरे साथ हैं, इनका चैनल आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। साबिर भाई, आपका कोई कमेंट है या आज की ट्रिप के हवाले से? काफ़ी शॉर्ट था लेकिन ये कि शॉर्ट था, बहुत इन्जॉय किया बाकी दिनों से क्योंकि मौसम पहले से अच्छा था और एक विलेज और खुली सी में जो एक्सप्रेशन ना वो मिले तो बहुत खुशी। थैंक यू। चाचा से मिल के बड़ा अच्छा लगा हमें, वो जो विलेज के अंदर चाय माय पिलाई उन्होंने, और ये कि इंग्लिश तो यहाँ पे लोगों को नहीं आती लेकिन हमने कोशिश की थोड़ा बहुत उनसे तुर्किश में बात करने की। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग ये वाला वीडियो, फिर बहुत जल्द आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में।